हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा सेवर मोड है, तो डाटा सेवर मोड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन का डाटा सेव वगैरह आप कैसे कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में, और इस ऑप्शंस के जरिए डाटा सेवर के जरिए फ़ोन का मोबाइल डाटा वगैरह आप कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में डाटा वगैरह सेव कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और डाटा सेव कैसे कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी जिसमें से आपको जाना होगा मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे। तो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे जाकर डाटा सेवर मोड को आप इनेबल कर सकते हैं, मोबाइल डाटा वगैरह भी आप सेव कर सकते हैं। सिंपली डाटा यूसेज सेटिंग्स पे जाना है, फिर डाटा सेविंग पे चले जाना है। तो डाटा सेविंग पे जाकर अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा वगैरह भी आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। कुछ इस तरीके से डाटा सेवर को इस तरीके से टर्निड ऑन कर सकते हैं, जिससे अपने फ़ोन का डाटा है आप सेव कर सकते हैं फ़ोन में और अपने फ़ोन का डाटा भी सेव कर पाएंगे, जिससे मोबाइल डाटा को सेव कर सकते हैं। और ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं कि सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस डाटा सेविंग आप सर्च करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन में, देख सकते हैं। इस पे डायरेक्टली जाकर यहाँ से अपने फ़ोन का डाटा सेवर मोड है इनेबल कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।